बिग बॉस 13 शुरू होने में अभी काफी टाइम बाकी है, लेकिन रोने धोने, लड़ने झगड़ने, चीखने चिल्लाने जैसे हाई वोल्टेज ड्रामा से इस शो ने व्यूअर का अटेंशन अभी से खींचना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि जरीन खान, करण पटेल, विवेक दहिया, अंकिता लोखंडे, रोडी रह चुके नवजोत गुरु दत्ता, जय भानुशाली और माही विज के कंटेस्टेंट होने की खबरें लगातार लीक हो रही हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि सलमान खान अभी तक टीवी पर सबसे भारी भरकम रकम लेने वाले सितारे बन चुके हैं, या यूं कहें कि सलमान अपने पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं। बिग बॉस के अपने पिछले सीजन में सलमान ने 300 करोड़ लिए थे, लेकिन 13वें सीजन में रकम बढ़कर 403 करोड़ पहुंच चुकी है। इस शो की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि बिग बॉस मराठी, कन्नड़, बंगाली, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी आने लगा है। दरअसल इंडिया में रियलिटी शो बिग बॉस की शुरुआत यूके के रियलिटी बिग ब्रदर्स की बड़ी सक्सेस को देखते हुए हुई थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी जीत कर आई थी। बिग बॉस के सीजन 4 से यानी 2009 से इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, और 2009 में ही सलमान की फिल्म वांटेड आई थी, जिससे सलमान के सुपरस्टारडम की शुरुआत हुई। इसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई सुपरहिट रही और वो बन गए बॉक्स ऑफिस किंग, और इसका फायदा अब बिग बॉस को भी मिल रहा है। व्यूअर्स बिग बॉस में हर हाल में सलमान को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि भाईजान का होस्ट करने का अंदाज सबसे निराला है, जो उन्हें फैंस के बीच पॉपुलर करता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि बिग बॉस 13 कितना हिट होता है, पर इतना तय है कि सलमान का स्टारडम फिल्मों के साथ साथ रियलिटी शो से भी अछूता नहीं है। या फिर ये कहें कि भाईजान के स्टारडम या उनकी मनमानी के आगे प्रोडक्शन हाउस भी उन्हें इतना पैसा देने के लिए मजबूर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।